लखनऊ में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मजलिस आमिला का हुआ एक अहम इजलास। बाबरी मस्जिद को लेकर अपने मौकफ पर मजबूती के साथ साबित कदमी का किया इजहार। कहा मुसलमान इससे न दस्तबरदार हो सकते हैं और न ही इसे कर सकते हैं मुंतकिल। बाबरी मस्जिद किसी मंदिर को तोड़कर नहीं की गई तामीर। अदालत उज़्मा में मुकदमे का फैसला हक़ इंसाफ के मुताबिक ही होने की बोर्ड ने जाहिर की तवक्को। यूनिफॉर्म सील कोड के निफाज की हर कोशिश की भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने की सख्त तनकीद। प्रेस रिलीज जारी कर हिंदुस्तान को बताया कसीर सकाफती व कसीर मजहबी मुल्क। कहा हर शहरी को अपने मजहब पर अमल करने और अपनी तहजीब के साथ जिंदगी गुजारने हिंदुस्तान का दस्तूर पूरी तरह से देता है आजादी। हुकूमत हिंद से की यकसा सिविल कोड जैसे इकदाम से बाज रहने की अपील। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने वोटर शनाख्ती कार्ड की तस्दीकी मुहिम को लेकर लोगों के लिए एक बड़ी राहत का किया ऐलान। आखिरी तारीख 15 अक्टूबर तक की मुद्दत में की तौसी। तकरीबन एक महीने का इजाफा कर अब 18 नवंबर तक लोग कर सकेंगे वोटर वेरिफिकेशन का काम। दिल्ली में 31 अक्टूबर तक होगी वेरिफिकेशन की आखिरी तारीख। कर्नाटक के भटकल में जोरों शोर से जारी है वोटर शनाख्ती कार्ड की तस्दीकी मुहिम का काम। कई मकामात पर स्पोर्ट्स सेंटर्स ने भी संभाली कमान। स्पोर्ट्स सेंटर्स के नौजवान खुद लोगों की रहनुमाई कर सही दस्तावेजात जमा कराने में हर तरह से लोगों की कर रहे हैं मदद। मुल्क की बदतरीन माशी सूरत हाल का मरकजी वजीर रविशंकर प्रसाद ने किया बेतुका दिफा। सिर्फ एक दिन में 3 हिंदी फिल्मों की 120 करोड़ की कमाई को साउंड इकोनॉमी से किया ताबीर। कहा बेरोजगारी को लेकर लोगों को बेकार में किया जा रहा है गुमराह। ह्यूज बिजनेस बाय मूवीज मिस्टर कोमल नाहटा हैं, उन्होंने कहा है कि द नेशनल हॉलीडे ऑफ 2nd अक्टूबर अर्निंग ऑफ ओवर 120 करोड़ रिकॉर्ड बाय 3 मूवीज। अब जब देश में इकोनॉमी थोड़ी साउंड है तभी तो एक दिन में 120 करोड़ रुपया रिटर्न आता है। मुल्क में आया बदतरीन माशी सूरत हाल को लेकर रविशंकर प्रसाद के दिफा पर कांग्रेस ने ली चुटकी। बोले जयराम रमेश। कहा चीन मईशत को रेलवे और बैंकिंग सिस्टम से तोलता है तो हिंदुस्तान की मईशत को फिल्म की कमाई से नापते हैं हमारे वजीर। कर्नाटक के करकड़ा में एक 20 साल नौजवान तालिब इल्म ने जहर खाकर दे दी अपनी जान। खुदकुशी से कबल नौजवान ने व्हाट्सएप पर दिया था पैगाम, आ रहा हूँ मैं तेरे पास है खुदा, जिंदगी क्या है मुझे चल गया है पता। महलूक एक जहीन तालिब इल्म और बेहतरीन था खिलाड़ी। 3 साल बाद बेंगलुरु की अदालत ने एक नौजवान तालिब इल्म को दिलाया इंसाफ। एक मुस्लिम नौजवान पर हमला करने वाले 5 मुल्जिमीन को ठहराया कसूरवार। 21,000 का आयद किया जुर्माना। जुर्माना अदा न करने पर 8 माह की जेल की सुनाई सजा। अदालत ने मजलूम नौजवान को 50,000 का मुआवजा देने का भी दिया हुक्म। 4 अप्रैल 2016 को एक गैर मुस्लिम लड़की के साथ घूमने को लेकर नौजवान पर हमला कर मुल्जिमीन ने जम कर की थी मारपीट। लड़की ने खुद पुलिस स्टेशन पहुंचकर मुल्जिमीन के खिलाफ दर्ज की थी शिकायत। भटकल एबले ग्राम पंचायत हदूद में वाक़ बिजली सप्लाई मरकज OLTC ट्रांसफार्मर में लगी भयानक आग। घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड अमले ने आग पर पाया काबू। इलाके में करीब 4 घंटों तक गायब रही बिजली सप्लाई। बिजली पर मुनासिर कामकाज अचानक ठप पड़ने से परेशान नजर आए लोग। हादसे से मौके में बिजली को पहुंचा 10 लाख से भी ज्यादा का नुकसान। भटकल में प्राइवेट बस अड्डे पर तहसीलदार ने मारा धावा। ईद त्यौहार और छुट्टियों में मनमानी और बेताशा किराया वसूलने को लेकर तहसीलदार ने एजेंटों को दी हिदायत। कहा हमेशा के लिए एक ही किराए को करें मुतय्यन, आइंदा शिकायत मौसूल होने पर की सख्त कानूनी कार्रवाई की तंबीह। मस्तिगंधा एक्सप्रेस ट्रेन पर चोरों ने मारा हाथ। कारवार से बेंगलुरु जाने के दौरान एक मुसाफिर के सोने के जेवरात समेत 9 लाख मालियत की चोरी की गई बैग। कारवार मुजफ्फरपुर पुलिस में ईमेल के जरिए की गई शिकायत। पुलिस कर रही है तहकीकात। अंकोला के केंजिन बागिल में नेशनल हाईवे 66 पर पेश आया सड़क हादसा। बाइक और गुड्स व्हीकल के दरमियान हुई टक्कर। बाइक सवार की मौके पर हुई मौत और दूसरा बताया जा रहा है जख्मी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दर्ज किया मामला। जापान में हागी तूफान ने मचाई तबाही बर्बादी। 10 से ज्यादा अफराद हुए हलाक तो 128 लोग हुए जख्मी। कई अफराद बताए जा रहे लापता। रेस्क्यू और राहत रसानी का जारी है काम। 3 लाख घर बिजली से हैं महरूम।